लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मामा, अंजे, क्या बात है मामा? सारे स्टूडेंट्स मैदान में हैं, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हमार 7 दिन की छुट्टी की ना उस ससुरे अजय ने। ये बात पर हम ना पिकनिक पर जा सके ना मजे उड़ा सके। घर में पड़े पड़े बैंगन की तरह सड़ गए हम। हम एक और ऐसा बदला ले कि हराम ज्यादा सारी जिंदगी आऊ करे। लेकिन जया की किताब में कहाँ रख रहे हो तुम? ये तो का बाद में पता चले। चल आऊ आऊ आऊ। गुड मॉर्निंग। टेबल पर रख दो। आज आपने टाई नहीं लगाई है सर? क्यों, टाई लगा बिना मैं पढ़ा नहीं सकता? गुस्सा क्यों होते हैं सर? लेकिन आप टाई में ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लगते हैं। आई होप आज तुम लोग में से कोई शरारत नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं जो लेसन पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। क्या बात है मामा, सर इतनी बुरी तरह काहे चौंके? किताब बम रख दिए होगा मामा। आओ आओ। क्या है जरा भारा ना? मैं सर? यस। लगत है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन हुआ है। वो कहा है कि पहले सर जया को समझाएंगे, ओका बाद जया हम लोगन को समझाएगी, ओका बाद कहा होगा? देखो जया, ये पहली दिया बेकरार है, आई बहार है, आजा मोरे साजना तेरा। देखो जया, ये पहली बार है, पहला खत है, अगर किसी के हाथ लग गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। बी केयरफुल। दूरी, सर तुझे अकेले में बाहर क्यों लाए थे? और ये तेरे हाथ में चिट्ठी कैसी? सर ने दी है। आई लव यू। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सर की हरकत हो सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। तूने क्या सोचा है? इस खत का जवाब देगी? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, तो समझ कर बताऊंगी। गुड मॉर्निंग, प्लीज सलाम। ये लीजिए। अब मुझे तुम्हारी किताब की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद दुकान से खरीद कर लाया हूं, जाकर बैठ जाओ। साइलेंस। लागत है आज फिर हम लोगों की पढ़ाई नहीं होने वाली। आज कहाँ रख दिया है तुमने? मामा आओ आओ आओ। जया, लागत है कि मास्टर जी तुमका कुछ समझाना चाहते हैं। जाओ उनका साथ। ए, शगुन ए। बस बहुत हो गया मास्टर जी के साथ मजा। गोविंद छोड़ दो उसे। जया प्लीज कम आउटसाइड। मास्टर के आउ में क्या है, जया के आउ में? मास्टर के दिल में जया, जया के दिल में मास्टर। ये दिल जया देगी मास्टर को, मास्टर को। जया, ये दूसरी बार है, ये दूसरा खत है। इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में ऐसी हलचल मचरी में बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो मैं बहुत बेचैन हूं। समझने की कोशिश करो। दुदु 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 दुदु।
बात है, दूसरी छुट्टी। देख, अगर तू सर को नहीं चाहती तो मुझे बता दे, मैं सर को जवाब दे दूंगी। अभी तक मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें चाहती नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। दिस इज टू मच। अरे तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करता रहा। दो मरता तुमको वार्निंग दी, इसके बावजूद तुमने तीसरा लव लेटर लिखा, वो भी अपने टीचर को, अपने गुरु को। हद हो गई बेशर्मी की। अगर मिस्टर अजय की जगह कोई दूसरा होता ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। अरे ये तो इनकी शराफत है कि उन्होंने सीधे जाकर मुझसे कंप्लेंट की। सर आप मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक तरफा बात सुनकर मुझे डांट नहीं सकते सर। मेरी भी तो बात सुनिए, मुझे क्या कंप्लेंट करनी है? तुमको क्या कंप्लेंट हो सकती है? तुम्हारा लेटर तो सामने रखा हुआ है। लेटर है, लेटर है, ये आप क्या कह रहे सर? ये मैं भी देख सकती हूँ कि ये लेटर है, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये लेटर कहाँ से आया है, किसने लिखा है और क्यों लिखा है? अच्छा, कहाँ से आया, किस लिए लिखा, तुमने लिखा, किस लिए लिखा है? ये लेटर मैंने नहीं लिखा है सर, इन्होंने मुझे लिखा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने दिल पर हाथ रख कर कहो, ये लेटर मैंने लिखा है। और नहीं तो किसने लिखा है? याद कीजिए, जब आपने मुझे पहली बार ये लेटर दिया था तो क्या कहा था आपने? पहली बार है, पहला खत है, अगर किसी और के हाथ लग गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी, यही ना? और क्या करता मैं तुम्हें बदनामी और गलत रास्ते पर चलने से रोकने के लिए, क्या करता? अगर ऐसी बात है तो दूसरा लेटर देते वक्त ये क्यों कहा था कि इस वक्त मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कैसी हलचल मची हुई है ये मैं बता नहीं सकता। बस इतना समझ लो कि मैं बहुत बेचैन हूँ। अरे अजय बाबू, ये क्या चक्कर है? आप कहते ये खत इसने लिखा है, ये कहती आपने लिखा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सर, आप मेरा कैरेक्टर अच्छी तरह जानते हैं, आप जानते हैं मैं अपनी गुरु की कितनी इज्जत करता हूँ। मैं आपकी कसम खा कर कहता हूँ सर, ये खत मैंने नहीं लिखा है। आप बोलो, ये मेरी कसम खाने को तैयार है? तो मैं भी कसम खाती हूँ सर, आपके सर की कसम कि मैंने भी ये खत नहीं लिखा है। अरे क्या मुसीबत है, तो मेरी कसम खा रही है, मेरे सर की कसम खा रही है, मतलब दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा होगा, तो मेरा मरना तो पक्का हो गया। आप मुझे बताना पड़ेगा ये खत किसने लिखा है। अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मुझे स्कूल में पढ़ाने का कोई हक नहीं है। मेहरबानी करके कल आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। अच्छा, अरे नहीं नहीं नहीं, अजय बाबू मैं आप जैसा काबिल टीचर नहीं खोल सकता, इंक्वायरी बाद में होती रहेगी, फिलहाल मैं इस लड़की को एक कसूरवार ठहराता हूँ। आप बताइए इसको क्या सजा दी जाए? इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए सर जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सबक हो। इसे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 15 दिन कुछ ज्यादा नहीं होगी, बच्ची की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा सर, ये हॉस्टल में बैठकर पढ़ लेगी, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। बस कीजिए, अब बेकार में मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे स्कूल से 15 दिनों के लिए निकालना था ना, आपने निकाल दिया, अब तो आपको सुकून मिल गया। अरे मुझे सुकून नहीं मिला क्योंकि इसका तो कुछ फैसला हुआ ही नहीं। अगर लड़कों को इस लव लेटर के बारे में जरा सी भी खबर मिल गई तो वो तो हंगामा खड़ा कर देंगे। अंदर क्लास चल रही है, भाग क्यों खड़े हो तुम? हम त्योहार का ही इंतजार कर रहे थे अजय। क्यों? ये बताने के वास्ते कि वो प्रेम पत्र जया ने तुमको नहीं लिखा है, हमें चोरी से लिख के उनका किताब में डाल दिए। ये क्या कह रहे हो तुम? हमका एक हफ्ता के वास्ते क्लास से बाहर निकाल दिए, हम पिकनिक पे ना ही जा सके ना, ये वास्ते ये हरकत हम त्योहार से बदला लेने के लिए किया। इसमें जया का कोना कसूर ना ही है अजय, हम गंगा मैया की कसम खा के कहते हम सच बोलते हैं। हेलो जया। जया अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स इजी टू डिस्ट्रॉय बट हार्ड टू बिल्ड। बिना सोचे समझे प्रिंसिपल साहब से शिकायत करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। असल में शरारत शगुन की थी, मुझे माफ कर। एक लड़की का नाम एक लड़के के साथ पहली बार शादी के कार्ड पर छपता है, लेकिन मेरा नाम तो आपके साथ स्कूल के कंपाउंड से हॉस्टल के बाथरूम तक लिख दिया गया है।
अब हमारे पास एक ही रास्ता है सर, कि हम सचमुच एक दूसरे के ही हो जाए। होश में हो जाया, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुम्हारा टीचर हूँ जया, टीचर, और तुम मेरी स्टूडेंट। जरा बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? अब किस मिट्टी के बने हुए सर, एक खूबसूरत जवान लड़की अगर किसी मर्द से आई लव यू कहे तो उसे झटका लगेगा, खुशी से झूम उठेगा वो। जया देखिए सर, इनकार मत कीजिए, रात को थोड़ी देर सोचिए मेरे बारे में, मैं वादा करती हूँ सारी रात आंखों आंखों में ही कट जाएगी, और सुबह जब आप स्कूल आएंगे तो आपका ये फैसला खुद ब खुद बदल चुका होगा। ओ सर, आई रियली लव यू सर।